हेलो एवरीवन, कल लास्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद मैंने आपको न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था। हमने ऐसा भी पढ़ा कि एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होती है। यानी ये कहने का मतलब कि न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, जो इनगेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन थी। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हम उसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर कि हमने आपको पहले माउथ, टंग, ईसोफेगस, स्टमक, ये लीवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियास, ये लार्ज इंटेस्टाइन, एनस और ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई है। तो शुरू करते हैं हम हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखो, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए कंप्लीट होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो वेरियस ऑर्गन्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर हम उनको सीक्वेंस में देखें तो वो हैं माउथ, ईसोफेगस, जिसको कि हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और कुछ ग्लैंड्स जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट होते हैं और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, वो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियास। ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड करती है, यानी कि टोटल जो माउथ से शुरू होकर एनस तक एक्सटेंड करे वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है, जिसको हम गट के नाम से भी जानते हैं। ये 9 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब है। कितने ही तरह के जो डक्ट होते हैं, यानी कि कितने ही तरह के ग्लैंड्स के जो डक्ट हैं, वेरियस ग्लैंड्स के जो डक्ट हैं वो इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही ओपन होते हैं और अपने सीक्रेशंस को, जिनको कि डाइजेस्टिव जूसेस के नाम से जाना जाता है, इस एलिमेंट्री कैनाल में डालते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको भी हम 5 कैटेगरी में ही डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे इनगेशन। सबसे पहले इनगेशन में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन है फूड के इनगेशन के लिए, इसको हम माउथ के नाम से जानते हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स फूड को माउथ के जरिए इनगेस्ट करते हैं, यानी अपने फूड को पहले वो अपने माउथ के अंदर डालते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स। अब फूड माउथ के अंदर आ गया, यानी इनगेस्ट हो गया। अब सेकंड पॉइंट हमारा आएगा, वो है डाइजेशन। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो डाइजेशन होता है फूड का, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारी माउथ कैविटी, जिसको कि हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, उसके अंदर टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सबसे पहले टीथ जो हैं वो फूड को कट करते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर, च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं। इसका मतलब कि जो हमारे टीथ होते हैं वो फिजिकल डाइजेशन के अंदर हमारे फूड की हेल्प करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और जो टंग है वो इस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने का काम करती है। सलाइवा जो है एक तरह का वाटरी लिक्विड है, जो कि फूड को वेट बनाता है हमारे माउथ के अंदर, और ये जो वेटेड फूड होता है उसको स्वेलो करने में हमें आसानी होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं बाय सीक्रेटिंग एंजाइम्स। ह्यूमन सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में बदल देता है। यानी कि जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो फूड है वो कुछ समय के लिए ही हमारे माउथ में रहता है, यानी कि फूड का इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है माउथ के अंदर। ठीक है, अभी हम अपना सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, डाइजेशन। अब डाइजेशन भी क्या होगा, अलग अलग पार्ट में होगा। सबसे पहले कहाँ हुआ है, या माउथ में। माउथ में 3 ऑर्गन्स थे, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। टीथ ने फूड को काटा, चबाया और ग्राइंड किया, टंग ने सलाइवा को मिक्स किया, और सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो केमिकल डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अब यहाँ से
जो हमारा माउथ है यहाँ से फूड पास आउट होगा। अब ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है जो हमारे माउथ में था वो स्वेलो किया जाएगा और आ जाएगा धीरे धीरे नीचे की तरफ, यानी कि इस ईसोफेगस में फूड पाइप के अंदर। अब ये ईसोफेगस जो है इस फूड को कैरी करके कहाँ लाएगा, यहाँ स्टमक के अंदर लाएगा। ये कैसे होता है? देखो जो वॉल्स होती है फूड पाइप की उनके अंदर मसल्स पाए जाते हैं। ये फूड पाइप के अंदर पाए जाने वाले मसल्स जो हैं वो अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते रहते हैं। और स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है जैसे ही फूड पाइप के अंदर एंटर करता है और ये फूड पाइप कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट होता है फूड पाइप की वॉल्स में, उसको हम पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि जो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट है फूड पाइप का, वो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को स्टमक के अंदर पुश करने का काम करता है, ठीक है। और इस तरह से कंटिन्यू जब इनकी वॉल्स की मसल्स में अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है तो फूड कहाँ पहुँचता है अंत में, इस स्टमक के अंदर। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट पर, क्या होते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब स्टमक के अंदर फूड आ गया, तो ये स्टमक जो होता है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि एब्डोमेन के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सिचुएटेड है। अब आगे का जो डाइजेशन होगा फूड का वो इस स्टमक के अंदर होगा। अब इस स्टमक में फूड आगे 3 आवर्स तक चूंड होगा। इस समय क्या होगा, फूड जो है वो और भी स्टिल स्मॉलर पीसेस के अंदर बदल जाएगा और सेमी सॉलिड पेस्ट का फॉर्म ले लेगा। स्टोमक की जो वॉल होती है वहाँ पर 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये जो ग्लैंड होते हैं जो स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस का सीक्रेशन करते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस हैं इनके अंदर 3 सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम है यहाँ पेप्सिन और एक है म्यूकस, इन तीनों का भी फंक्शन है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और एसिडिक मीडियम के अंदर ही जो एंजाइम पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है जो कि हमारे फूड के अंदर मिलता है। यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से ही शुरू हो जाता है। और यहाँ पर नोट करने लायक बात यह है कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन है वो केवल एसिड की प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका एक फंक्शन तो क्या है कि हमारे स्टोमक के अंदर वो गैस्ट्रिक जूसेस को एसिडिक बनाता है जिससे कि एंजाइम पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपरली कर पाए। और जो दूसरा फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो ये है कि अगर कोई बैक्टीरिया फूड के साथ हमारे स्टमक में एंटर कर गया है तो ये एसिड उसको किल भी कर देते हैं। तो ये 2 फंक्शन हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि एंजाइम पेप्सिन क्या हो पाए, एक्टिवेट हो पाए और प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपरली कर पाए, और दूसरा कि जो भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ स्टमक में आते हैं उनको किल करने का काम भी करता है। अब म्यूकस क्या करता है कि हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सीक्रेशन से, ठीक है। वरना अगर डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी स्टमक की वॉल पर एक्ट करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उसके पड़ेंगे। अब ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वह स्टमक से निकलकर कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। तो ये जो एग्जिट होती है फूड की स्टमक से वो रेगुलेट होती है स्फिंक्टर मसल्स के जरिए, जिसके जरिए अब फूड कहाँ आएगा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये बहुत ही कॉइल्ड फॉर्म में जो दिखा रखा है ना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। ये 6.5 मीटर लॉन्ग होता है एक एडल्ट मैन में, इसकी जो लेंथ है। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है बहुत लंबी होती है, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत नैरो होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कॉइल्ड फॉर्म में हमारे बैली या स्टमक में अरेंज होती है, इसे कॉइल्ड कॉइल होकर अरेंज है, ठीक है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग होती है, जो कि डिपेंड करती है टाइप ऑफ फूड पर जिसे वो ईट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्यूलोस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। यानी कि जो सेल्यूलोस एक कार्बोहाइड्रेट फूड है वो डिफ़िकल्टी के साथ डाइजेस्ट होता है,
इसीलिए हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि काऊ जो कि ग्रास ईट करते हैं या प्लांट ईटर्स होते हैं, उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होती है, जिससे कि क्या हो सके, सेल्यूलोस आसानी से डाइजेस्ट हो सके, कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो सके। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मीट एक ऐसा फूड है जो ईजियर है डाइजेस्ट होने में, तो कार्निवोर एनिमल्स जो होते हैं जैसे टाइगर्स वगैरह, उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, है ना। तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन आता है ये कि वाई द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हर्बीवोर्स एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। इस तरह से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक साइट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड की, यानी कि फूड के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये सब कंप्लीटली यहीं पर डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो टू ग्लैंड से सीक्रेशन को रिसीव करती है, एक तो इस लीवर से और एक इस पेनक्रियास से। इन दोनों के सीक्रेशन को भी कौन रिसीव करती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। पहले बात करते हैं हम लीवर की। देखो लीवर क्या करता है, बाइल जूस का सीक्रेशन करता है। बाइल जूस जो है वो एक ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड है जो कि लीवर में ही बनता है, लेकिन लीवर के अंदर आप देख रहे होंगे ये गाल ब्लेडर, यहाँ पर ये स्टोर रहता है। बाइल जूस जो है वो एल्कलाइन नेचर का है, है ना, और उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि फैट्स के ब्रेक डाउन या इमल्सिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे फूड में प्रजेंट होता है। यानी कि बाइल दो फंक्शंस को परफॉर्म करता है, एक तो कि जो एसिडिक फूड स्टमक से आएगा उसको वो एल्कलाइन नेचर का बनाएगा जिससे कि पैनक्रियाटिक एंजाइम उसके ऊपर एक्ट कर सके, और दूसरा काम क्या करता है कि बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं जो हमारे फूड के अंदर फैट्स प्रेजेंट होते हैं उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करता है जिससे कि एंजाइम्स के लिए इजीली वो डाइजेस्ट हो सके, मतलब उसको फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ देता है जिससे कि एंजाइम उसको आसानी से क्या कर सकें, उसके ऊपर एक्ट कर सकें और उसको डाइजेस्ट कर सकें। ये काम तो करता है लीवर, यानी कि लीवर का काम क्या हुआ, बाइल जूस का सीक्रेशन, बाइल जूस जो बनेगा वो गाल ब्लेडर में स्टोर होगा और दो फंक्शन परफॉर्म करेगा, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा और फैट्स का इमल्सिफिकेशन करेगा। अब आया पैनक्रियास। देखो पैनक्रियास जो होता है वो एक लार्ज ग्लैंड है लेकिन वो स्टमक के नीचे और पैरेलली अरेंज होता है। पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है, उसके अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये थ्री एंजाइम्स जो हैं वो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से भी, है ना। जो एंजाइम एमाइलेज है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, जो एंजाइम ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और जो एंजाइम लाइपेज है वो इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उनके अंदर जो ग्लैंड होते हैं वो भी इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करते हैं, और इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का तो ग्लूकोज में, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड में, और फैट्स का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं वो बहुत स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से क्या होता है, ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके जरिए लार्ज इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बदल दिया जाता है, और जो ये केमिकल डाइजेशन होता है फूड का उसको जो करते हैं उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो कि हमारे फूड का केमिकल डाइजेशन कर रहे हैं, उनको हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया डाइजेशन का सेकंड पॉइंट कंप्लीट। मतलब कहने का मतलब आप क्या करोगे, पहले डाइजेशन इन माउथ बताओगे जहाँ पर टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड हैं, और जहाँ पर कि सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन है उस पर क्वेश्चन आता है। फिर माउथ से फूड पास हुआ फूड पाइप के जरिए जहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आए, और कहाँ आ गया, स्टमक में, तो डाइजेशन इन स्टमक। फिर जहाँ 3 घंटे तक फूड डाइजेस्ट हुआ, और 3 चीज़ों मतलब इस आपको सब्सटेंसेस के बारे में यहाँ स्पेशली बताया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। फिर उसके बाद फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लॉन्ग है, उसकी लेंथ अलग अलग एनिमल में अलग अलग है। फिर यहाँ पर ये 2 ग्लैंड से रिसीव कर रहा है सीक्रेशन को, जहाँ पर लीवर और पेनक्रियास के बारे में, तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट करती है, और इस तरह से फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है।
अब थर्ड स्टेप आएगी हमारी एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो फूड के मोलिक्यूल्स हैं वो बहुत स्मॉल बन गए, जिससे कि आसानी से क्या होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास आउट होकर जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट है और हमारे ब्लड में आ जाएंगे, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसा मेन रीज़न है जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वैसे तो ये स्पेशली अडेप्टेड होती है फूड के, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन इसके अलावा भी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके इनर सरफेस पर मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम विलाई के नाम से जानते हैं। और जो ये विलाई की प्रेजेंस होती है वो ये इनर वॉल्स जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसको एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये लार्ज सरफेस एरिया जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो डाइजेस्टेड फूड के रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और डाइजेस्टेड फूड जो है अब इस इंटेस्टाइन की वॉल के जरिए क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है। तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप्स एब्जॉर्प्शन। फिर आएगा अब हमारा फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन। अब ब्लड के अंदर फूड आ गया तो ब्लड क्या करेगा, ये डाइजेस्टेड और जो डिजॉल्व फूड है उसको बॉडी के हर एक पार्ट में ले जाएगा और जहाँ पर वो फूड एसिमिलेट हो जाएगा एज पार्ट ऑफ द सेल्स में। ये एसिमिलेटेड फूड जो है उसको हमारी बॉडी की सेल्स यूज़ करेगी फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है। और एनर्जी जो रिलीज होगी वो कैसे होगी, एसिमिलेटेड फूड के ऑक्सीडेशन के जरिए सेल्स के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। और जो डाइजेस्टेड फूड इमीडिएटली हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती, वो फूड हमारे लीवर के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जाकर स्टोर रहता है, जिसको कि हम ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है उसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं जबकि हमें उसकी आवश्यकता होती है। अब आ गया फिफ्थ पार्ट इगेशन, ठीक है। इगेशन के अंदर क्या बताएंगे आप कि जो फूड का ऐसा पार्ट जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए एब्जॉर्ब भी नहीं होता। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर अब और कहाँ पर आ गया, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ खुली, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है कि एक वाइड ट्यूब है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लेंथ में तो क्या है, ये छोटी है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ये क्या है, ज़्यादा वाइड है, इसीलिए इसको नाम दिया है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल होती हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को, मोस्ट ऑफ द वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है विद द हेल्प ऑफ विलाई। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड है वो क्या हो जाता है, अब पानी के एब्जॉर्प्शन की वजह से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और जो लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको कि हम रेक्टम कहते हैं, वो कुछ समय के लिए इस अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब रखता है। एंड व्हेन वी गो टू द टॉयलेट देन दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट और इगेस्टेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस एज फीसेस, ठीक है। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फीसेस इज कॉल्ड इगेशन और डिफिकेशन, उसको हम इगेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब ये जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्मॉल क्वेश्चंस भी बनते हैं और लार्ज क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक तो आपको कंप्लीट भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। आप पॉइंट में ही लिखेंगे इंगेशन, फिर डाइजेशन, तो डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह से, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन। लास्ट में फिर आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया है यहाँ पर, देखो डेंटल कैराइस के बारे में भी बताया है कि डेंटल कैराइस क्या होती है, ठीक है। तो देखो डेंटल कैराइस की अगर हम बात करें, डेंटल कैराइस क्या है, तो आप देखो कि जो स्मॉल कैविटीज़ और होल हमारे टीथ में बन जाते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया या इम प्रॉपर डेंटल केयर की वजह से, उसको हम डेंटल कैराइस के नाम से जानते हैं।
अगर हम अपने टीथ को रेगुलरली क्लीन नहीं करते तो उनके ऊपर एक स्टिकी येलोविश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरियल सेल्स की बन जाती हैं, जिनको हम डेंटल प्लेक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये प्लेक क्या करता है, हमारे टीथ को कवर कर लेता है और वहाँ पर अल्कलाइन सलाइवा जो है वो टूथ की सरफेस तक नहीं पहुँच पाता उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कि उस बैक्टीरिया के जरिए बना है। तो हमारा टूथ डिके वहाँ पर से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, टीथ की रेगुलर ब्रशिंग करनी चाहिए आफ्टर ईटिंग फूड, जिससे कि प्लेक जो है उसको रिमूव किया जा सके बिफोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। दिस विल प्रिवेंट डेंटल कैराइज और टूथ डिके, ठीक है। तो आपको ये करना है यहाँ से। तो यहाँ पर आपका जो पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट अप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।